योगेश लखानी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनका बर्थडे है और आज उनका काफ़ी अच्छा फंक्शन है, और बस मैं यहाँ आई हूँ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। उनका मैसेज आया था कि राखी आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हमेशा इन्होंने हमारे होर्डिंग्स लगाए हैं विदाउट द मनी, कभी भी उन्होंने पैसे नहीं लिए होर्डिंग्स लगाने के, और तो फिर हमेशा उनके बर्थडे पे तो मैं आती हूँ, और हमेशा उनका कल रात को ही मैसेज आया था कि राखी आपको आना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ आपके फंक्शन पे। हाँ, शी वॉज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा था, जस्ट हमारी एंट्री साथ में हुई तो आई थिंक शायद मैं लेट हो गई। थैंक यू सो मच कि अगर लोग मुझे देख रहे थे, दैट्स रियली नाइस, थैंक्स टू मीडिया कि मीडिया तो ऑलवेज रॉकिंग, एंड शायद उन्हें मेरी ड्रेस और मेरे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि मैं आज ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, थैंक यू। और हाँ, ये कुछ है फंक्शन यहाँ पे, अभी आई हूँ मैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या फंक्शन है, क्या है, कुछ ताजवाज कुछ पहनाया जा रहा है, आई रियली डोंट नो। या एक्चुअली क्या लोग आँखें डोनेट करते हैं ऐश्वर्या जी ने उनके डेथ के बाद आंखें डोनेट करी है, बहुत सारे लोग किडनी डोनेट करते हैं, कुछ लोग कुछ यू नो बॉडी में से बहुत सारे पार्ट डोनेट करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं क्यों कुछ अलग चीज़ मतलब एक जैसी चीज़ करूं, तब मैंने सोचा कि मैं अपने बुब्स को डोनेट करूंगी, या आई हैव अ नाइस बुब्स, तो आई थॉट कि आई विल डोनेट माई बुब्स, एंड वाई नॉट। देखो बहुत सारी कैंसर ब्रेस्ट इम्प्लांट जो 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 कैंसर पीड़ित औरतें होती है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो कभी कभी उनको वो ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, आपको शायद पता नहीं होगा बट आप देखिए, तो तब उनका बजट नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ करे, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़की राखी सावंत ने ऐसा बोला है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई हंगामा होना चाहिए। अगर यही बात किसी इंटरनेशनल लेडी ने बोली हुई तो आप लोग बोलते थे वाह वेरी नाइस, बट बिकॉज राखी सावंत ने बोला है तो क्या वहाँ मैंने आई वॉन्ट टू डोनेट माई बुब्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जीएलओ ने अपने हिप्स इम्प्लांट को यू नो इंश्योरेंस कराया है, मैंने अपने बुब्स को इंश्योरेंस कराया है, मैंने अपना पूरा इंश्योरेंस कराया है, तो वाई कांट आई। बिग बॉस इस साल का बहुत ही अच्छा है, बिग बॉस 12 इज सो अमेजिंग, और मैं डेफिनेटली बिग बॉस 12 में जाना चाहूँगी, और स्पेशली अनु जलोटा जी की जो गर्लफ्रेंड आई है, ओ माय गॉड, वो मेरे बचपन की दोस्त है, केसर मथारू की बेटी है, और जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल टाइम पे आई थी तो उनके डैडी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, उसमें मैं लीड थी लफड़ा करके, तो केसर मथारू जी और जसलीन का मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, और मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना, कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास, तो अरे थोड़ा नीचे तो रखो, तुम इधर मुंह कर क्यों हंस रहे हो, तुम मेरा कांड ना कर दो यहाँ। तो मुझे लगता है कि अनूप जलोटा जी कांड नहीं कर सकते तो गर्लफ्रेंड टिकेगी नहीं जसलीन, और जो बिग बॉस में दूसरे जो हैंडसम डूड लड़के हैं वो जसलीन को उड़ा ले जाएंगे और उनके साथ में उनका अफेयर हो जाएगा। मुझे तो तीन चार पुलिस वाले पे बहुत निगाह है मेरी, और जो बॉडी जय जय शिव समथिंग, और दूसरे तो दो सुशांत और दूसरे तो दो मैरिड है, पर क्या आजकल दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है, एक घर में बीवी एक बाहर वाली, तो जसलीन को तो सब उड़ा के लेके जाने वाले हैं। और ऐसे भी मैं अपने इंस्टाग्राम जो राखी सावंत 2511 जो इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ बिग बॉस के बारे में बोलती रहती हूँ, और अनूप जलोटा जी बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगे, विधवा या रंडवा क्या बोलते हैं पता नहीं, नहीं नहीं केसर मथारू जी से मेरी बात हुई है, और कल हम राज ठाकरे जी के प्रोग्राम में जा रहे हैं बांद्रा और गणपति विसर्जन के लिए, और मैंने कहा है कि ऐसा नकारा नहीं है, हाँ जसलीन और अनूप जी का बहुत अच्छा टाका भिड़ा हुआ है, और एक्चुअली क्या ना एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई, और ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियाँ भाग गई, वो शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को पीछे जाते ही है और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं, और मैं सच कहती हूँ कि अनूप जलोटा जी अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूँ ना,
मैं आपके साथ कांड करूंगी, चिंता ना करना, पूरा कांड। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी। हाय, दिस इज अनेरी बजाली। हाय, दिस इज मी जिज्ञासा सिंह। हाय गाइस, दिस इज कुशाल टंडन। हाय, दिस इज सोनल वेंगुलेकर। हाय, दिस इज अली गोनी। एंड यू आर वाचिंग टेलीशो। And you guys are watching Teleshow. Keep watching your favorite channel, Teleshow. Keep watching Teleshow. You are watching Teleshow. Please like, subscribe and comment on Teleshow.